अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं सऊदी अरब से रिलेटिव। तो आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। एक बंदे ने ट्वीट करके पूछा है कि मुझे 6 महीने हो गए हैं सऊदी अरब में रहते हुए और मेरे कपिल ने अभी तक मुझको इकामा बनाकर नहीं दिया है। तो सोशल डेवलपमेंट की तरफ से अपडेट आई है, अगर आपका कपिल आपको 3 महीने के अंदर इकामा बनाकर नहीं देता है तो आप अपना कपिल यानी स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन पहले ये अपडेट आई थी कि अगर आपका कपिल आपको सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा है या फिर आपका इकामा नहीं बना रहा है तो आप अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, यानी कि कपिल भी चेंज कर सकते हैं। और एक अपडेट है जवाजात की तरफ से, जैसे कि अफसर की तरफ से एक अपडेट है। जैसे कि कोई बंदा हरूब का केस फाइल करता था कोई भी सऊदी, तो उसको जवाजात जाना पड़ता था, यानी कि मकतब अमल जाकर उसका हरूब का केस फाइल करना पड़ता था। तो एक अपडेट आ रही है अफसर से रिलेटिव कि आप ऑनलाइन भी उसका हरूब फाइल कर सकते हैं, आपको मकतब अमल यानी कि जवाजात आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही जो हरूब का केस है किसी भी बंदे का वो वहाँ से फाइल कर सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अपडेट और है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। जैसा कि आप इंजन ऑयल लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑयल मिलता है अगर आपको लगता है इसमें कुछ मिलावट कर रखी है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। 1900 पर आप कॉल करके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये ऑयल है वो उसमें ज़्यादा मिलावट की गई है, किसी भी तरीके की मिलावट है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक अपडेट और है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर अहमद अल राजी ने बताया है कि 1,70,000 से ज़्यादा नौकरी सऊदी नागरिकों को दी जाएगी, यानी सऊदी जेसन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा और सऊदी नागरिकों को नौकरी दी जाएगी। तो काफ़ी सेक्टरों में ये नौकरी दी जाएगी, जहाँ जहाँ पर गैर मुल्की काम कर रहे हैं उन लोगों की नौकरी अब खतरे में है। सऊदी नागरिकों को नौकरी देने का फैसला हो चुका है, अब धीरे धीरे गैर मुल्कियों की नौकरी जाने का खतरा बढ़ रहा है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे लेकर आता रहता हूँ, लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।